गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल मैंने लेसन नंबर 16 मॉडर्न नोमैड्स की रीडिंग करवाया था। जिन पैराग्राफ को मैंने आपको दिया था कि आप लोग इसको कई बार अच्छे से पढ़िएगा, रीडिंग करिएगा, प्रोनंसिएशन वगैरह आपका क्लियर होना चाहिए, रीडिंग आपकी फ्लुएंसी के साथ होनी चाहिए, आप लोगों ने किया होगा। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट चैप्टर, आप लोग ध्यान से देखें। वन डे मिस्टर आर्नोल्ड वॉज टीचिंग ए लेसन, एक दिन मिस्टर आर्नोल्ड वो एक लेसन बच्चों को टीच कर रहे थे, टीच मीन्स पढ़ा रहे थे, एंड थिंग्स वेयर गोइंग ऑन नॉर्मली एज यूर। और पढ़ाते समय जो चीज़ें होती हैं, बच्चे ध्यान से पढ़ रहे थे, सब चीज़ें ठीक ठाक से चल रही थी। ही वॉज एक्सप्लेनिंग द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड टू हिज प्यूपल्स, प्यूपल्स मीन्स चिल्ड्रंस स्टूडेंट्स। वो बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे थे द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, मानवता की कहानी। ही टोल्ड देम, वो बच्चों को बता रहे थे दैट इन द बिगिनिंग, कि शुरू में, प्रारंभ में, जब मानव जाति का प्रारंभ हुआ, शुरुआत में मेन वेयर नोमैड्स, लोग नोमैड्स थे, यानी एक तरह से जंगली थे, इधर उधर घूमते थे, कहीं पर स्थिर नहीं रहते थे। दैट दे नेवर स्टेड इन सेम प्लेस, एक ही जगह पर वो कभी रुकते नहीं थे, फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक। इन स्टेड, बजाय दे वुड ट्रेवल अबाउट हीयर एंड देयर, हीयर एंड देयर माने यहाँ वहाँ इधर उधर, वो ट्रेवल मीन्स यात्रा करते थे। इन सर्च ऑफ फूड, किस लिए करते थे, भोजन की तलाश में। वेयर एवर इट वॉज टू बी फाउंड, जहाँ भी यह उनको मिल जाता था, एंड व्हेन द फूड रन आउट, और जब भोजन समाप्त हो जाता था, दे वुड मूव ऑफ समवेयर एल्स, तो मूव ऑफ मतलब वो दूसरी जगह के लिए मूव ऑफ चल देते थे, समवेयर एल्स, अन्य कहीं जगह पर। ही टॉट देम, ही मीन्स मिस्टर आर्नोल्ड ने बच्चों को बताया कि अबाउट द इन्वेंशन ऑफ फार्मिंग, कि हमारे यहाँ फार्मिंग का काम कैसे, खेती काम कैसे शुरू हुआ, एंड कीपिंग एनिमल्स, और लोगों ने एनिमल्स को रखना कैसे शुरू किया, कैसे, इन्वेंशन माने खोज, अबाउट द इन्वेंशन ऑफ फार्मिंग, की खेती की खोज और जानवरों को रखने की खोज कैसे हुई। दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी, यह महत्वपूर्ण खोज थी, डिस्कवरी मीन्स खोज, बिकॉज क्योंकि बाई लर्निंग टू कल्टिवेट द लैंड, जब आदमी ने सीख लिया कि हम जमीन को कल्टिवेट कैसे करें, एंड केयर फॉर एनिमल्स, और एनिमल्स की देख रेख करें, इस जानकारी आदमी को हो गई, मानकाइंड को वुड ऑलवेज हैव फूड इज रेडली, तो वुड ऑलवेज हैव, तो उनके पास हमेशा फूड हैव फूड रेडली अवेलेबल, उनके पास हमेशा भोजन अवेलेबल रहता था, मिलता था। इट आल्सो मीन्ट, इसका मतलब दैट पीपल कुड रिमेन लिविंग इन वन प्लेस, अब पीपल कुड रिमेन लिविंग इन वन प्लेस, अब वो रिमेन माने कि अब वो लिविंग वन प्लेस, एक जगह पर रह सकता था, जब उसको खाने का सामान, पशुपालन का ज्ञान हो गया, तो अब वो एक जगह पर रह सकता था, एंड दिस मेड इट इजियर, और यह उनको और सरल बना दिया, टू सेट अबाउट टास्क, काम करना, टास्क मीन्स वर्क, That would take a long while to complete. और जब वो काम शुरू करते थे, तो उसमें long while to complete, उसको कम्प्लीट होने में बड़ा लंबा समय लगता था, जैसे like building towns, शहर बनाना, cities, शहर बनाना, and all that was in then. ये सारी चीज़ें मिलाकर कम्प्लीट होने में बहुत समय लेती थी. All the children were listening, सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे. Spellbound. स्पेल बाउंड मीन्स फैसिनेटेड, मतलब आश्चर्यचकित थे भाई दिस स्टोरी, यह कहानी सुनकर, अनटिल तब तक लकी जम्प्ड अप, लकी उछल पड़ा।
एंड इफ दैट वॉज सो इम्पोर्टेंट एंड इम्प्रूव्ड एवरीथिंग सो मच, उसने कहा यदि सब कुछ बड़ा महत्वपूर्ण था, इतना महत्वपूर्ण था एंड इम्प्रूव्ड एवरीथिंग सो मच, और सब चीज़ें इम्प्रूव हो रही थी, तो वाई आर वी नोमैड्स ऑल ओवर अगेन, तो वाई आर वी हम लोग ऑल ओवर अगेन, ऑल ओवर कुल मिलाकर के फिर हम लोग नोमैड्स क्यों हैं मिस्टर आर्नोल्ड? मिस्टर आर्नोल्ड डिड नॉट नो व्हाट टू से, मिस्टर आर्नोल्ड नहीं जानते थे कि व्हाट टू से, क्या कहें। लकी वॉज इंटेलिजेंट गर्ल, लकी एक बहुत बुद्धिमान लड़की थी। मिस्टर आर्नोल्ड न्यू दैट सी लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन ए हाउस, मिस्टर आर्नोल्ड जानते थे कि सी लिव्ड विथ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ इन ए हाउस, एक घर में रहती थी। सो सी मस्ट नो, इसलिए सी मस्ट नो दैट दे वेयर नॉट नोमैड्स, वो जानती थी कि वो लोग नोमैड्स नहीं हैं। सो व्हाट डिड सी मीन, तो उसके कहने का मतलब क्या था? वी हैव ऑल बिकम नोमैड्स अगेन, कंटिन्यूड लकी, लकी लगातार आगे बोली, वी हैव ऑल बिकम नोमैड्स अगेन, हम सभी लोग नोमैड्स फिर हो चुके हैं। द अदर डे, दूसरे दिन, आउटसाइड द सिटी, शहर के बाहर, दे वेयर कटिंग द फॉरेस्ट डाउन, वे लोग जंगलों को काट कर गिरा रहे थे। ए व्हाइल एगो, कुछ क्षण पहले, ए फिशरमैन टोल्ड मी हाउ द फिश, एक मछुआरे ने, फिशरमैन ने बताया मुझे हाउ द फिश को लोग फिशिंग कैसे करते हैं, मछली कैसे पकड़ते हैं। इट्स द सेम विथ एवरीवन, ऐसा ही सबके साथ वैसा ही होता है। व्हेन देयर्स नो मोर फॉरेस्ट लेफ्ट, जब नो मोर फॉर और अधिक जंगल नहीं बचता है, द फॉरेस्टर्स को एल्सेवर, तो फॉरेस्टर्स अन्य जगहों पर चले जाते हैं। एंड व्हेन द फिश रन आउट, और मछली जब वहाँ से समाप्त हो जाती है, द फिशरमैन मूव आउट, तो फिशरमैन भी वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। दैट्स व्हाट द नोमैड्स डिड इज नॉट इट, इसी तरह से नोमैड करते थे, क्या यह सच है, क्या ऐसा नहीं है? तो कल यहाँ तक की रीडिंग मैंने कराया था, आप लोग इसको ध्यान से, इस लेसन को फिर से पढ़कर समझने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू।